हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जो दिखाने वाले हैं वो है आपका वीडियो टेस्ट करके दिखाएंगे। हमारे पास है कैनन 200D, जो कि आप देख सकते हैं मॉडल यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कैनन 200D। और इसका जो वीडियो टेस्ट है वो आज हम करके दिखाने वाले हैं, इनडोर आउटडोर, और अगर लाइटिंग में वीडियो शूट कर रहे हैं या बिना लाइट में शूट कर रहे हैं तो किस तरीके से आप शूट कर सकते हैं और कैसा देता है ये वीडियो, सब कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर करके हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज के ये वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लेंस है वो है 18x55। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले वीडियो टेस्ट करके दिखाने वाले हैं, यानी कि इसके ऊपर कैसा वीडियो होता है। आउटडोर पर सबसे पहले दिखाएंगे, फिर इंडोर भी दिखाएंगे। तो चलिए हम जो यूज कर रहे हैं ये मैं बता दूं आपको, 18x55 लेंस है। तो सबसे पहले इसका वीडियो टेस्ट करते हैं और इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप शॉट जो आने वाला है वो हमारा DSLR से आएगा। तो चलिए आप DSLR को यूज करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज करके क्या क्या वीडियो शूट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास फिलहाल जो लेंस है वो है 18x55 का, देख सकते हैं 18x55 लेंस है। और हम सबसे पहले इसको यूज करने वाले हैं, तो इसके लिए हमने जो है इसको इस तरीके से अटैच कर दिया। अगर आपको इसके बारे में सेटिंग करना, कोई भी वीडियो या जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी हमारा इस चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए अब इसको हम यूज करके सबसे पहले वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि 18x55 में किस तरीके का वीडियो शूट देता है और क्या क्या हम किस टाइम पे काम में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो वीडियो आने वाला है वो इस हमारे कैमरे से आने वाला है, DSLR से। तो फाइनल गाइस, ये जो शूट हो रहा है ये मेरा 18x55 के लेंस से शूट हो रहा है। और एक्चुअली आप देख सकते हैं जिस पोजीशन में मैं खड़ा हूँ, ये थोड़ा सा जंगल टाइप का है, पेड़ पौधा है, लेकिन सनलाइट जो है वो डायरेक्ट हमारे चेहरे पे या फेस पे नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए सनलाइट यहाँ पर आ रहा है, बट एक्चुअली हम इस पोजीशन पे शूट नहीं कर रहे हैं, हम इस तरीके का नॉर्मल पोजीशन पे शूट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन क्वालिटी कैनन 200D जो छोटा लेंस है 18x55 के अंदर देखने को हमको मिल रहा है। और पीछे जो है वो आपको उतना भी ब्लर अच्छा खासा देखने को नहीं मिल रहा है। और इसका जो पोजीशन है, यानी कि जो 18x55 लेंस है, वो बहुत करीब से अगर आप शूट कर रहे हैं तो आप एक साथ में बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर फोटो या वीडियो शूट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो बहुत बड़ा है। और अगर इसको जूम करते हैं तो थोड़ा सा पूरा का पूरा जूम करके धीरे धीरे दिखा सकते हो कृष्णा, तो कृष्णा अभी इसको जूम कर रहा है और आप देख सकते हैं इसका जो आखिर तक जूम है वो इतना ही आप कर सकते हैं, इसके ज्यादा आप जूम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप बाहर में शूट कर रहे हैं, आउटडोर शूट कर रहे हैं, तो बहुत वीडियो क्वालिटी है, वो फोटो क्वालिटी हो देखने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा आता भी है। और एक्चुअली अभी अगर आप फॉलो कर रहे हैं पीछे के साइड, तो आपको अच्छा खासा ब्लर देखने को मिल रहा होगा। बट एक्चुअली ये जो छोटा लेंस है 18x55, इसको लेकर हम घर में यानी कि इंडोर के अंदर भी वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे, तो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सबसे बेटर आ रहा है। और एक्चुअली हम और भी बहुत सारे तरीके से आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो फाइनली गाइस, अभी मैं बिल्कुल खाली मैदान में हूं और थोड़ी देर पहले मैंने जैसे कि वीडियो अंदर में बना के दिखाया था पेड़ के साथ, उस टाइम पे देखिए मैंने कैप पहना था, उस टाइम पे आपको चेहरा जो है फ्रेश आ रहा था, बट इस टाइम पे आपका मेरा जो चेहरा वो आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि मैं जो है सनलाइट के बिल्कुल आमने सामने खड़ा हुआ हूं। और अगर सनलाइट फुल सनलाइट में आप वीडियो बना रहे हैं तो इस तरीके का आप ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपका फेस क्वालिटी सही नहीं दे रहा है। और अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं और इस तरीके से पहनता हूं, तो आप फाइनली मेरा चेहरा तो देखने को आपको मिल रहा होगा, लेकिन एक चीज साथ में भी आपको देखने को मिल सकता है, जो फेस है वो थोड़ा सा येलो देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा जूम करके भी दिखा सकते हो कृष्णा, अगर फुल जूम करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए थोड़ा बहुत आपको जो फेस क्वालिटी है वो आपको येलो महसूस हो रहा होगा। और अगर हम थोड़ा सा घूम जाते हैं, यानी कि कृष्णा घूम थोड़ा सा घूम जाओ, तो फाइनली देख सकते हैं गाइस, ये अभी जो चेहरा है वो धीरे धीरे आपको ब्लैक देखने को मिल रहा होगा, पूरा का पूरा मेरा जो चेहरा वो अच्छा क्वालिटी नहीं दे पा रहा है। और एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है सनलाइट में, जो पीछे का बैकग्राउंड है वो आप अगर फॉलो कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आपको बेटर क्वालिटी देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरा जो फेस है जो सामने खड़े हैं उसको आप क्लियर तरीके से वो कैच नहीं कर पा रहा है। बट एक्चुअली अगर पीछे का आप सीन देखेंगे तो देखिए सब कुछ आपको सही तरीके से देखने को मिल रहा होगा, हर चीज आपको सही क्वालिटी में देखने को मिल रहा है। तो फाइनली गाइस, आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं कि यहाँ पर जो पेड़ है सामने वाला वो बहुत क्लियर आ रहा है और पीछे जो है वो ब्लर दे रहा है, बट एक्चुअली यहाँ पर कोई स्क्रीन काम कर नहीं रहा, क्योंकि हमारा जो ये जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं EF और मैनुअल और EF, तो मैनुअल में है तो ये कोई भी फोकस आपको नहीं देने वाला। आपको फोकस लेने के लिए ये जो सामने का ऑप्शन है आपको पता होगा, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और जूम आउट नहीं आप स्मूथ को बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं ये जो पेड़ है आपको क्लियरली पीछे का पेड़ जो है वो क्लियर देखने को मिल रहा है। और अगर आप सामने का जो क्लियर करना चाहते हैं तो आपको अपने हिसाब से घुमा के धीरे धीरे इसको जो है आपको सेटिंग कर लेना चाहिए, यानी कि आपको करना पड़ता है। और अगर आप ये कर देते हैं, यानी कि मैनुअल में कर रहे थे, अगर इसको ये में कर देता हूं तो आपको इसको एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां से देख सकते हैं ये सामने वाला पेड़ आपको क्लियर देखने को मिल रहा है और पीछे का पेड़ आपको क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम इसको टच करते हैं तो देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये आपको बिल्कुल अच्छा देखने को मिल रहा है और सामने वाला जो है ब्लर हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने हाथ को टच करके भी ये कर सकते हैं, बट मैं आपको कहना चाहूंगा ये बेटर आइडिया है, आपको ये जो है सामने को आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इसको अच्छे तरीके से यहां से टच करके भी अपने फोकस को आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं
ये EF के अंदर जाके देख सकते हैं जो ट्रैकिंग ऑप्शन है ये सबसे बेटर है और इसी के ऊपर मैं काम करता हूं। आप चाहे तो इसको इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ट्रैकिंग में क्या होता है मैं आपको दिखा दूं, वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूं, आप दो सूट एक साथ देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस यहां पर आप देख सकते हैं ये जो पीछे वाला पेड़ है ये आपको क्लियर देखने को मिल रहा होगा और सामने ऑब्जेक्ट जो है वो पेड़ है वो आपको क्लियर फोकस नहीं दे पा रहे हैं। आप टच करके भी कोई भी काम नहीं कर सकते। यहां पर आप ऐसा मत सोच लेना कि आपका कैमरा में कोई प्रॉब्लम है क्योंकि आपका ये ऑप्शन देख लेना पड़ेगा। ये EF और MF जो है ये आपका ऑन कौन सा है, EMF है तो इसलिए हो नहीं रहा, तो ये EF करना है। जब भी आप कर देंगे तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा होगा। देखिए ये कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, सामने वाला आपको अच्छा फोकस देखने को मिल रहा है और पीछे वाला जो है ब्लर देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसको टच करते हैं तो देखिए फाइनली आपको ये कैप्चर हो रहा है और सामने वाला जो है पेड़ है वो आपको ब्लर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से आप हाथ को देखकर भी टच करके देख सकते हैं। और अगर आप EMF से करना चाहते हैं तो EMF आपको ऑप्शन में सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर स्क्रीन में टच करके कर नहीं सकते क्योंकि आपका जो ये ऑप्शन है इसको आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है और यहाँ से आप अपनी वीडियो को शूट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम पे आपको पीछे वाला पेड़ बहुत क्वालिटी देखने को मिल रहा है और सामने वाला आपको ब्लर देखने को मिल रहा है। अगर मैं धीरे धीरे इसको घुमाता हूँ, धीरे धीरे इस पोजीशन को घुमाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा अभी अच्छा क्वालिटी आपको सामने वाला पेड़ देखने को मिल रहा है और पीछे ब्लर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इस तरीके से हाथ को घुमा के आप इसको जो है अच्छे तरीके से अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो फाइनली अभी जो शॉट देख रहे हैं गाइस ये है 55 से लेकर 250 के बीच में लेंस हमने लगाया है और अभी मैंने बिल्कुल कोई जूम वगैरह नहीं किया है। इसका क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं और ये सॉफ्ट लाइट है यानी कि डे लाइट के अंदर आप देख सकते हैं फेस में हमारा कोई भी सनलाइट डायरेक्ट आ नहीं रहा, स्मूथ लाइट है। और अभी मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं तो फाइनली अभी जूम करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं मैं बहुत दूर आ रहा हूं और ज्यादा एक्स्ट्रा दूर नहीं जा सकता क्योंकि माइक लगा हुआ है, माइक जो लेंथ है वो बड़ा नहीं है इसलिए मैं काफी ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तो अभी फाइनली अगर यहां से आप सूट देख सकते हैं कितना लंबा है, कितना दूर मैं आया हूं और अभी अगर आप जूम करते हैं तो फाइनली आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी आपको देखने को मिल रहा होगा और पीछे का जो सीन है वो भी ब्लर देखने को मिल रहा है। तो कितना थोड़ा सा आगे आ जाओ। तो फाइनली गाइस आप यहां से कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना फेस क्वालिटी कितना अच्छा आपको देखने को मिल रहा होगा और पीछे जो ब्लर है वो काफी आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है और बेटर आपको आउटडोर में देखने को मिलता है। इंडोर के अंदर आपका उतना क्वालिटी नहीं देता है छोटा लेंस में, लेकिन बड़ा लेंस में आप बाहर बनाइए या अंदर बनाइए वीडियो काफी मजेदार आपको देखने को मिलता है। पीछे जो बैकग्राउंड है वो तो आप देख ही सकते हैं। और ज्यादा अगर मैं पीछे की बात करूं तो थोड़ा सा पीछे पेड़ को जूम करके दिखाने की कोशिश करो तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं पीछे का पेड़ भी आपको काफी इंटरेस्टिंग देखने को शायद मिल सकता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करना चाहूंगा अगर आप बाहर वीडियो बनाते हैं तो बड़ा लेंस यानी कि जो 55 से लेकर 250 के अंदर जो लेंस होते हैं उसके अंदर आप वीडियो को बना सकते हैं, शूट कर सकते हैं और काफी मजेदार आपको वीडियो शूट देखने को मिलता है। और अभी मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूं, अगर कोई भी चीज को आपको फोकस में रखना है, बिल्कुल फोकस ऑफ नहीं करना है, तो कभी भी आपको पेड़ को आगे पीछे करके भी आप फेस को अपने हिसाब से कंट्रोल में रख सकते हैं, यानी कि आपका फेस हर टाइम क्लियर वो रखने वाला है। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिस सेटिंग को आप करके अपने वीडियो मूड को ऑल टाइम बेटर कर सकते हैं और अच्छा क्वालिटी का वीडियो शूट कर सकें। तो फाइनली गाइस ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा मूड देखने को मिलता है, बट एक्चुअली मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये जो है ऑटो में आप एक्चुअली ये अच्छा कैप्चर ले लेता है, अपने हिसाब से बेटर कैप्चर करने की कोशिश करता है। और अभी देखिए यहाँ पर अगर आप आएंगे स्क्रीन में तो आपको यहाँ पर सेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपका टच है तो आप टच में क्यू में भी जा सकते हैं, अगर टच नहीं है तो सेट में जाके भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा तीन मूड आपको अलग अलग देखने को मिलता है, ये EF लाइव 1.EF और यह है स्मूथ जोन EF और यह है ट्रैकिंग। तो आप ज़्यादा ट्रैकिंग अच्छा क्वालिटी लेना चाहते हैं, ब्लूर करना चाहते हैं, सामने को आगे पीछे करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया, बैक कर दिया। और अभी अगर मैं यहाँ पर शूट करता हूँ तो देखिए मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जो सामने का पेड़ है ये आपको अच्छा देखने को मिल रहा होगा, पीछे वाला सब ब्लूर देखने को मिल रहा है। और चाहे तो आप इसको टच करके सामने को आप जो है ब्लर कर सकते हैं, पीछे को आप अच्छा क्वालिटी में ले आ सकते हैं। तो मैं आपको कैमरा से शूट करके दिखा रहा हूं। तो जैसे कि आप यहां पर आप फॉलो कर सकते हैं कि मेरे सामने एक पेड़ है और वो पेड़ अभी आपको ब्लर देखने को मिल रहा होगा, मुझे बिल्कुल आपको क्लियर देखने को मिल रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी स्मूथली पेड़ को बिल्कुल क्लियर करके दिखा सकते हैं और मुझे बिल्कुल आप ब्लर कर सकते हैं किसी भी चीज को अपने हाथ में बहुत ईजी तरीके से। कभी भी पेड़ को आप ब्लर कर सकते हैं, कभी मुझे ब्लर कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको करना हो वो अपने हिसाब से आप कर सकते। तो गाइस ये जो कैनन 200D है इसके बारे में हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया और भी कुछ टिप्स ट्रिक आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो क्लियर तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा कमेंट मुझे देखने को मिला है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं और आगे भी बनाता रहूंगा। कोई भी जानकारी हो तो आप मुझे कर सकते हैं और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हां एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो कैनन 200D है अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हैं और नया मॉडल जो है मार्क II कैनन 200D मार्क II वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप एक वीडियो शूटर है यानी कि वीडियो शूट करते हैं, वीडियो का शौकीन है, आपका यूट्यूब में कोई चैनल है या फेसबुक में कोई भी काम करते हो वीडियो का, तो आपके लिए कैनन 200D ये जो बेटर ऑप्शन है क्योंकि ये सब
सबसे ज्यादा बिकने वाला एक प्रोडक्ट है, यानी कि DSLR है जो कैनन का है। और कैनन का ये जो DSLR है आपको वो तो देखने को मिल ही रहा होगा कि कितना वीडियो क्वालिटी अच्छा देता है। और अगर आपको और भी बेटर कुछ लेना है तो आप सोनी का भी ले सकते हैं, बट एक्चुअली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कैनन 200D आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो 3 घंटे का बैटरी पूरा खत्म कर दिया इस वीडियो के ऊपर। सो गाइस फाइनली देख सकते हो ये वीडियो शूट जो है हमारा मोबाइल से हो रहा है, क्योंकि वीडियो आखिर टाइम पे बैटरी खत्म हो चुका है। और तो मैं यही कह रहा था कि नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी बहुत सारे वीडियो आपको हमारे चैनल का देखने को मिल जाएगा, जो कैमरे के ऊपर है, गिम्बल के ऊपर है, कोई भी चीज के ऊपर आपको जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हैं, जाकर आपको बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी वीडियो को बनाने के लिए मोबाइल से शूट किया, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करो, कमेंट करो, और नया हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन कॉल कर लो, मैं जंगल में जा रहा हूँ।